Good morning, students. Welcome to EVS class. So today we are going to discuss the another topic of English grammar. The chapter is letter writing. So in this chapter, we will discuss about the types of letter and how, what is the format of letter writing. So this letter uh, letter writing will come in your half yearly exams.

एक दूसरे को या एक जगह से दूसरे जगह हम भेजते हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स तो लेटर क्या होते हैं टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से होते हैं देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स लेटर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज़ इनफॉर्मल लेटर्स एंड सेकेंड इज़ फॉर्मल लेटर्स सो लेट डिस्कस व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मीन्स जो इनफॉर्मल लेटर्स है वो हम अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली अपने रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं उसको हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं द लैंग्वेज यूज़ इज़ वेरी फ्रेंडली इनफॉर्मल जो इस लेटर में इनफॉर्मल लेटर्स में जो लैंग्वेज लैंग्वेज यूज़ होता है वो बहुत फ्रेंडली और इन्फॉर्मल होता है जैसे फ्रेंड्स को लिखे हम फादर को मदर को Brother, sister, uncle, aunt, grandparents, etc. The letters written to the relatives, family, and friends, those letters are known as informal letters. And now, what is for formal letters? Formal letters are written for official purposes. For example, just say you are writing the application to the principal or your class teacher, so that is a format of फार्मल लेटर्स दीज आर फॉर्मल लेटर्स इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू प्रिंसिपल टू क्लास टीचर टू स्कूल मैनेजमेंट एडिटर ऑफिशियल ऑथोरिटीज़ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट तो ये जो ऐसे लेटर्स होते हैं इनको फार्मल लेटर्स बोलते हैं जो ऑफिशल परपज़ के लिए लेटर्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं फार्मल लेटर्स और जो फैमिली रिलेटिवस फ्रेंड्स के लिए हम लेटर लिखते हैं उन्हें कहते हैं इनफार्मल लेटर्स तो दोनों लेटर्स में डिफरेंस पता चल गया आपको फार्मल लेटर्स वो होता है जो हम ऑफिशली यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स वो होता है जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेटर्स फार्मल एंड इनफार्मल लेटर्स ना आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मैट ऑफ अबोत द लेटर्स फार्मल एंड इनफार्मल सो द फर्स्ट फार्मेट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ द फॉर्मेट ऑफ़ फॉर्मल लेटर्स अब ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है मतलब इस तरीके से आपको लेटर लिखना है इस फॉर्मेट में एग्ज़ाम में लेटर के फॉर्मेट में मार्किंग होती है मार्क्स होता है इंग्लिश ग्रामर में अगर आप इस पैटर्न में इस फॉर्मेट में लेटर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंग्लिश ग्रामर में कट जाएंगे और ज्योति मैम भी मार्क्स काट देंगी तो प्रॉपर फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कोई भी फॉर्मेट में जरा सा मिकस्टे मिस्टेक्स होगा तो उसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती है सीधे डायरेक्ट आपके माइनस मार्किंग हो जाएगा तो फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आप ये फॉर्मेट को अपने नोट इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में भी लिखेंगे मैं फॉर्मेट के पूरे डिटेल्स आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ सो लेट्स चेक द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर अब फॉर्मल लेटर क्या मैंने बताया था आपको वो लेटर्स हैं जो हम ऑफिशियल यूज़ के लिए करते हैं जैसे प्रिंसिपल को आपने लीव एप्लीकेशन लिखा क्लास टीचर को लीव एप्लीकेशन लिखा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आपने लीव एप्लीकेशन लिखा एडिटर को लिखा तो उसमें कैसे करते हैं सी सबसे पहले आता है यू एड्रेस मतलब जो सबसे पहले आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे मींस आपका एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस लिखेंगे आफ्टर डैट यू विल लीव वन लाइन एंड यू विल राइट द डेट यू कैन सी पिक्चर पहले एड्रेस लिखा है फिर एक लाइन लीव करेंगे उसके बाद डेट डालेंगे जैसे इसमें लिखा है थर्टी जून को आप जो जिस डेट में आप लेटर लिखेंगे आप वो डेट उसी डेट को आप मेंशन करेंगे और डेट का फॉर्मेट देखिए कैसा होता है इसमें कैसे है थर्टी जून टू थाउजेंड फिफ्टीन जैसे आज क्या डेट है सेवेंटीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये डेट का फॉर्मेट होता है ये डेट आप ऐसे लिखेंगे देन यू विल लीव वन लाइन अब फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है हमेशा सब्जेक्ट होता है पहले कि मतलब आप किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा लीव एप्लीकेशन फॉर टू डेज़ या एप्लीकेशन लीव फॉर टू डेज़ थ्री डेज़ जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे उसके बाद फिर एक लाइन लीव करेंगे उसके बाद सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में जैसे डी सर और मैम अगर सर हैं तो डी सर और अगर मैम है तो डी मैम मैडम मैम एनीथिंग यू कैन राइट उसके बाद फिर एक लीव लाइन करेंगे फिर जो मेन बॉडी है लेटर का वो स्टार्ट करेंगे जो भी आपका मेन कंटेंट है उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे फिर वहाँ उसके बाद उस लाइन के में क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है जैसे यू आर सिंसियरली यू आर फेथ फेथफुली तो ये सब क्या होते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं तो वो वहाँ पे लिखेंगे उसके बाद अपना नाम लास्ट में मेंशन करेंगे तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स नाउ दिस इज़ द नाउ लेट्स मूव टू द इनफॉर्मल फॉर्मैट दिस इज़ द फॉर्मैट ऑफ़ इनफॉर्मल इनफॉर्मल और फॉर्मल में मोस्टली जो फॉर्मैट है वो बिल्कुल सेम होता है सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है इनफॉर्मल में और फॉर्मल में कि इनफॉर्मल लेटर्स में आपका सब्जेक्ट नहीं होता है यू कैन सी ये कि एड्रेस लिखेंगे देन डेट दैन सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन में से आपके यहाँ पर डी सर और मैम नहीं लिखेंगे जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं सपोज कोई आपका फ्रेंड है एक्स वाई जेड तो डी एक्स वाई जेड डियर फादर डी मदर डी ब्रदर डियर सिस्टर डियर ग्रैंड फादर डीयर ग्रैंड मदर डी डी अंकल तो जो फैमिली के टर्म्स है उसको मैंशन करेंगे आप जैसे कोई फ्रेंड का नाम है डी सैंडी डी नकुल वट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स तो वहाँ पर लिखेंगे आप सैल्यूटेशन में उसके बाद फिर आपका लेटर का मेन बॉडी स्टार्ट हो जाता है मतलब जो मेन कंटेंट है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री में आप लिखेंगे यू आर लविंग ब्रदर यू आर लविंग सिस्टर यू आर लविंग सन इस टाइप के हम इनफॉर्मल में इस टाइप के हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ करते हैं लास्ट में यूअर नेम अब इसमें डिफरेंस क्या है आप फॉर्मल इनफॉर्मल में एज वी आर डिस्कसिंग कि इनफॉर्मल लेटर में क्या है कि आपका सब्जेक्ट नहीं आता है जैसे फॉर्मल लेटर्स में हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि लीव एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर डैट जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो हम पहले ऊपर मेंशन करते हैं इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं आता है सीधे सेल्यूटेशन के बाद सीधा लेटर राइटिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन फॉर्मल में डेट के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद फिर सेल्यूटेशन आता है और फिर लास्ट में जो हम योअर नेम हम करते हैं इसमें यूर नेम में यहाँ पर सिर्फ आप अपना नाम लिखेंगे आप इनफॉर्मल में से अपना नाम से योर नेम ज्योति यूर नेम पंकज डेट डैट इज़ लेकिन जब फॉर्मल में हम करते हैं तो आप अपना नेम जैसे आप स्टूडेंट हैं तो योर नेम योर क्लास योर सेक्शन योर रोल नंबर ये पूरा मैंशन किया जाता है तो दीज आर द टू सम समिफ्रेंसेज इन द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स सो लेट डिस्कस विद एन एग्जाम्पल सो ही आर टू क्वेश्चन वन क्वेश्चन इज ऑफ इन फॉर्मल लेटर एंड टू सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ फॉर्मल लेटर ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करने हैं तो हम एक लेटर को डिस्कस कर लेते हैं यू कैन सी ना दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर दिस इज़ द लीव एप्लीकेशन फॉर टेन डेज लीव अब आप आपको एप्लीकेशन लिखा है टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर स्कूल फॉर टेन डेज़ लीव ऑफ़ योर ब्रदर मैरिज अब देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है सबसे पहले मैंने द प्रिंसिपल ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल स्कूल का एड्रेस डाला है हिम्मतपुर ब्लॉक रामनगर उसके बाद मैंने एक लीव एक लाइन लीव किया है उसके बाद मैंने डेट लिखा है सेवनटीन अगस्त टू फिर मैंने एक लाइन लीव किया है फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है एप्लीकेशन फॉर टेन डेज लीव उसके बाद डियर मैडम या डियर सर फिर मैंने लेटर स्टार्ट कर दिया है जो मैंने मुझे कंटेंट लिखना है कि मोस्ट हमली आई बैक टू से डैट माई ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी विल बी परफॉर्म ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी एट माई नेटिव विलेज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर टेन डेज फ्राम ट्वेंटी अगस्त टू ट्वेंटी नाइन ऑगस्ट आई शाल बी हाईली ऑबलाइक टू यू अब ये लेटर का पूरा बॉडी था मेरा कम्प्लीट हो गया बॉडी उसके बाद फिर मैंने एक लाइन लीव किया है उसके बाद मैंने लिखा है थैंक यू फिर मैंने एक लाइन लफ्ट किया है उसके बाद मैंने क्या लिखा है यूर्स ओबीडेंटली देन नेम यहाँ मैंने लिखा है नेम क्लास सेक्शन रोल नंबर तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे नेम में ना वहाँ अपना नाम लिखेंगे योर क्लास एंड सेक्शन थर्ड ए वन और थर्ड ए टू देन योर रोल नंबर सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मर्स सो आई विल गिव यू बोथ द आंसर्स ऑफ द लेटर सो यू हैव टू राइट बोथ द लेटर्स इन योर नोटबुक और उससे पहले फॉर्मेट है लेटर्स के बारे में जो भी कंटेंट मैं आपको पी में शेयर करूँगी इन द गूगल क्लास यू हैव टू राइट ऑल द कंटेंट इन योर नोटबुक So, today this topic is over, and tomorrow we will, uh, we will discuss the next topic of English grammar. So, students, till then, take care. Bye.